कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने बोलते आईने, आदाब दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बोलते आने यूट्यूब चैनल की बहुत ही खास विशेष श्रृंखला के अंदर। आज 31 जुलाई है, बहुत ही खास दिन, एक ऐसे हमारे सिंगर जो कि पूरी दुनिया में जिनका नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है, और शायद ऐसी आवाज़ बरसों से हमने सुनी नहीं उनके बिछड़ने के बाद, जब सन 1980 31 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ था, और आज ही 31 जुलाई है। मोहम्मद रफी साहब को हम खिराज अकीदत पेश करते हुए बोलते आने यूट्यूब चैनल की तरफ से, तमाम लोग जितने भी हमारे टीम है उनको बहुत बहुत सलाम करती है, आदर के साथ, इज्जत के साथ एक ऐसी हम एपिसोड को पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को रफी साहब को मनाने के लिए हमने मुनक्कत की है। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड, प्रोड्यूसर एंकर बोलते आ रहे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब 24 दिसंबर 1924 को उनकी पैदाइश हुई, और जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई 1980 में उनका इंतकाल हो गया, उनको इंडियन सबकॉन्टिनेंट तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में हम तो कहते हैं कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर्स में उनका नाम है। उनके गाने की वर्सेटिलिटी हम देखते हैं, क्या क्या रंग शेड उनके गायन में था। वर्सेटाइल सिंगर होते हैं, चाहे आप देशभक्ति से ओतप्रोत गाने हों, पेट्रियोटिक हों, चाहे आपके रोमांटिक हों, उछल कूद के हों, पैपी हों, चाहे उदास नंबर्स हों, चाहे कव्वालियां हों या गजलें हों, या भजन हों या क्लासिकल गाने, या हमदों या नात हों, यानी किसी भी टाइप का गाना ले तो उनकी वर्सेटिलिटी का कोई मुकाबला नहीं था। आज तक उनके जाने के बाद ये गाने बजते हैं, और मोहम्मद रफी साहब को हम सलूट करते हैं मुश्तरका तमाम जितने नाजरीन हैं आपकी तरफ से। रफी साहब की कई खसूसियत में से एक बड़ी खसूसियत ये रही कि उनकी एबिलिटी थी कि अपनी वॉइस को मोल्ड जो वो करते थे, चाहे वो एक्टर जो है लिप सिंगिंग कर रहा है उनके गानों पे, तो ऐसा लगता था कि वो एक्टर ही गा रहा है। बड़े नामों में हम शम्मी कपूर साहब को लेते हैं, क्या अदाएं, क्या शोभी। आप दिलीप कुमार साहब को ले लीजिए, राजेंद्र कुमार जी को ले, जितेंद्र को ले लीजिए, और धर्मेंद्र जी को ले लीजिए, संजीव कुमार जी को ले लीजिए, राजकुमार साहब को ले लीजिए, यानी कि लबों से ये नाम निकलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। और हर किरदार पे, हर एक्टर पे ऐसा लगता था जैसे वही एक्टर का है। ये रफी साहब की एक सबसे बड़ा रंग और ये उनकी क्वालिटी जिसको हम कह सकते हैं लिप सिंगिंग की जो वो करते थे। मोहम्मद रफी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1 नेशनल अवार्ड मिला, और उनके बारे में और हम जानने की कोशिश करें तो करीबन
1000 से ज्यादा हिंदी फिल्म्स जो रही हैं उसमें उन्होंने कई लैंग्वेजेस में भी गाने गाए, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस में गाए, लेकिन प्राइमरली जो हम देखते हैं उनका उर्दू और पंजाबी में शुरुआती रही और सबसे ज्यादा उर्दू और पंजाबी में ही उनके गानों की गिनती आती है। वैसे अपने करियर के अंदर जो करीबन 7000 उनके गाने हैं जो कि तकरीबन कई डायलैक्ट्स और लैंग्वेजेस के अंदर हम देखते हैं, कई भाषाओं में गाए, जिनमें से खास हैं कोंकणी, असामी, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मगधी, मैथिली वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे गाते थे। और बल्कि ये तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जबानों के अलावा भी उन्होंने अंग्रेजी में, इंग्लिश में, फारसी में, अरबी में, सिनाली में, डच में, सब तरीके के उनके गाने रहे और उतनी शिद्दत उतनी ही पाखीजगी में लोगों ने उनका एहतराम करा उनके गाने का। आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में जब हम ये प्रोग्राम को आपके सामने पेश कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ को भी हम देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि इतने बड़े सिंगर और ऐसा व्यक्तित्व जिसको हमें जानना चाहिए, मोहम्मद रफी साहब, आप 6 बहन भाइयों के अंदर जो है आप 2 नंबर पे थे। आपके वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद साहब, जो कि एक जाट फैमिली से थे। ये फैमिली जो थी ये कोटला सुल्तान सिंह, ये एक गांव का नाम है जो कि आजकल देखा जाए तो एक मजीठा अमृतसर के पास डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गांव है, और इनका बचपन का नाम सबका बचपन का नाम होता है, और पुराने जमाने में बचपन के नाम में बड़ा मजा आता था लेने में, इनको फीको बोलते थे, तो रफी साहब को फीको बोलते थे। और आपने जो गाने की, ये तो खुदा की तरफ से उनको बरकत मिली हुई थी और इस तरीके का उनके अंदर एक टैलेंट था कि वो गुनगुनाने लगे पैदा ही होते ही, और जब बहुत ही छोटे थे, मैं समझता हूँ कि 4-5 साल से भी ज्यादा नहीं होगी, कि वो देखते थे अक्सर एक फकीर आता है उनके गली कूचों में से जाता हुआ और वो गाता हुआ गुजरता है, और वो उस गाने की छाप उनके दिल पे इस तरीके से या दिमाग पे इस तरीके से रफी साहब के उसने फकीर ने छाप मारी कि वो इतने मुतासिर हुए कि वो गाना उसको गुनगुनाते रहे, गाते रहे, और उस फकीर ने शायद इनकी दुआएं दी, बरकत दी, और जिसकी वजह से कहा कि दुनिया पे राज करेगी ये आवाज, एक दिन ऐसा भी आएगा। और ठीक वैसे रफी साहब के जो फादर हैं वो बाद में लाहौर आ गए थे, और 1935 में जब वो लाहौर में उन्होंने अपनी एक नाई की दुकान खोली, वो एक नूर मोहल्ला करके भाटी गेट है पापे वहां पर, फिर इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू करा, क्योंकि म्यूजिक पे, संगीत पे बड़ी रुचि थी रफी साहब की। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से, फिर पंडित जीवन लाल मट्टू साहब और फिरोज निजामी साहब से सीखना शुरू करा, और 13 साल की वो उम्र थी जब उन्होंने, उनको एक मौका मिला कि केएल सागल साहब का एक प्रोग्राम था, तो मेरे को ये भी बताया जाए कि बत्ती चली गई थी शायद तो, लेकिन केएल सागल साहब उन्होंने बहुत मशहूर मकबूल सिंगर थे, तो बीच में इनको जब खड़ा कर दिया गया तो तब वहां से ये इन्होंने गाने का 13 साल की महज एक छोटी सी उम्र आयु के अंदर इन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस जो कि पब्लिकली दी पाते। बाद में तो लाहौर के अंदर फिर इन्होंने एज ए प्लेबैक सिंगर इन्होंने जीनत बेगम के साथ मिलकर एक गाना गाया था, सोनिए नी हीरिए नी, और ये एक पंजाबी फिल्म है गुल बलोच जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। और श्याम सुंदर साहब उस जमाने के बहुत ही मशहूर, जो केएल सागल साहब को भी गवाते थे, उन्होंने इनको बाद में मौका दिया गाने के लिए। और जब वो रफी साहब बाद में 1944 में बॉम्बे में आ गए, जो आजकल मुंबई कहलाता है महाराष्ट्र के अंदर इंडिया में, आप आश्चर्यचकित होंगे कि 10 बाय 10 के छोटी सी कोठड़ी के अंदर ये रहने लगे वहां पे। 10 बाय 10 कितना होगा, क्या मूवमेंट होगा, कहाँ रियाज होगा, क्या होगा, लेकिन जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। रवि साहब उधर रहे, और आपने कुछ फिल्म प्रोड्यूसर जो उस जमाने के थे,
अब्दुल राशिद कारदार साहब, जिनको ए आर कारदार बोलते हैं, या महबूब खां वगैरह, और एक एक्टर डायरेक्टर नज़ीर साहब थे, फिर श्याम सुंदर साहब थे, इन सब ने मिलकर इनको काफ़ी आगे बढ़ाया। और ये मुतासिर एक केएल सहगल के अलावा जीएम दुर्रानी साहब से भी बहुत थे, उनकी नकलें करने लगे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने स्टाइल में ही गाना शुरू कर दिया। नौशाद साहब के डायरेक्शन में इन्होंने एक गाना गाया शुरू में, हिंदुस्तान के हम हैं, ये श्याम कुमार अलाउद्दीन के साथ मिलके, जो तकरीबन एक ग्रुप सॉन्ग के तरीके से लिया गया था। और दो फिल्मों में भी इन्होंने बल्कि काम करा, और उसमें गाने भी गाए, जैसे तेरा जलवा जिसने देखा, जो कि लैला मजनू की 1945 में, और वो अपने याद दिलाने को एक फिल्म आई जुगनू 1947 में, जबकि पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। बाद में तो गाड़ी चलती रही, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ इनके गाने होते रहे, लेकिन 1949 से 1949 आपको सोलो सिंगिंग में जो मौका मिला खास, वहां से इनकी सारी जो है पोजीशन चेंज होने लगी, और नौशाद साहब ने इनको चांदनी रात, दिल लगी, दुलारी ऐसी फिल्मों के अंदर, और श्याम सुंदर जी ने बाजार फिल्म में, और हुसन लाल भगत राम ने मीना बाजार के अंदर इनको सोलो गाने गवाए। वहां से ये खुलते गए और काफी मशहूरी इन्होंने प्राप्त करी, और बल्कि बाद में तो ये हुआ कि आप के खानदान में आपके चार बेटे और तीन बेटियां रहे, आपकी हॉबीज बड़ी अच्छी अच्छी थी, बड़ी शान स्वभाव की थी, जैसे कैरम खेलना, बैडमिंटन खेलना, पतंग उड़ाना। दिलीप कुमार साहब के साथ इनकी बड़ी वो होती थी कंपटीशन, पतंग चली 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 रे पतंग मेरी चली रे, एक गाना भी एक फिल्म में गाया, तो पतंग उड़ाने में बड़े मशहूर थे। लंबी लंबी गाड़ियां खरीदने का बड़ा शौक था, बाद में जब उनके पैसा पैसा आने लगे। एक और बड़ी बात है कि ये खाना बनाने के बड़े शौकीन थे, और खाना खाने के भी बड़े शौकीन थे, कभी कभी विदेशों में जब जाते थे तो खैर अपने मुल्क में जाकर वहां पर खाने को नहीं मिलता, कहीं कहीं में जाहिर है सभी के साथ होता है, और उन दिनों में तो जो अपने घर का टेस्ट जो चढ़ा रहता था, आजकल तो हम कॉस्मोपॉलिटन हो गए, इंटरनेशनल हो गए, तो पचा लेते हैं, उस जमाने में बड़ा मुश्किल। तो ये बल्कि एक ऐसा मेरे को ऐसे याद हो गया कि किसी और मुल्क में प्रोग्राम हो रहा है, और लंदन में खाना खाने के लिए, लंच करने है, फिर वो दोबारा गए प्रोग्राम देने के लिए, क्योंकि इनको भूख लग रही थी और वही खाना खाना था। तो ये तमाम स्टोरीज जो हैं उनकी चलती हैं। आपके बेटे शाहिद रफी साहब ने एक किताब लिखी जिसपे इनके बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन छोटी सी एक बात पर बताना चाहूंगा, ये किताब का नाम है मोहम्मद रफी वॉइस ऑफ अ नेशन। ये रफी साहब के बेटे शाहिद ने, जैसे मैंने अभी बताया, लिखी, उसमें डिस्क्राइब करा कि रवि साहब वॉज अ जेंटल काम एंड डमीनर पर्सोना हु रिमेन्ड हम्बल सेल्फलेस ईगोलेस डिवोटेड गॉड फियरिंग एंड फैमिली लविंग जेंटलमैन इन हिज लाइफ। एक और बड़ी बात, जब भी कोई आता था इनके पास पैसे मांगने के लिए, या गरीब होता था, खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। बल्कि एक किस्सा और याद आ गया, इनका माली हॉर्टिकल्चर में इनके बाग को जो देखता वो देख रहा था, और जब उन्होंने देखा कि उदास बैठा है, तो उन्होंने रीजन पूछा, उसको पता चला कि रफी साहब को उनकी बेटी की शादी है, पैसे पूरे हैं। तो इन्होंने चुपचाप अपनी अंटी में से, अहमद में से, जो भी पैसे थे सारे के सारे, वो अच्छे खासे पैसे थे उस जमाने में, दे दिए कि बेटी की शादी के। ऐसी ऐसी स्टोरी बहुत सारी है, बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नए नए आए थे, उनको भी काफी उठाने में शुरुआती दिनों में। एक और किस्सा मेरे को ऐसे याद आ गया कि एक स्टूडियो से निकल रहे थे, दूसरे कमरे में कोई शायद भोजपुरी गाने का ग्रुप सॉन्ग चल रहा था, तो एक वहां से सिंगर वो गुजर रहा था, ये भी देख रहे थे, गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक का पजामा फटा हुआ है, तो उन्होंने उसको एकदम से पैसे कान में जाके डाल के दे दिए कि भैया अच्छे तरीके से आइए, बेफिक्र रहिए।
बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं और बड़ी ये हकीकत है और बड़ी, तो आज उनकी यादगार में है, हम ये जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं। और हमने एक प्रोग्राम का एहतमाम जो करा है, हमें यकीन है कि आप इसको रिलिश करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की याद में आज हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है और इस प्रोग्राम को नजरानाए अकीदत रफी साहब को हम खिराजे अकीदत पेश करते हुए हमने बहुत दिमाग लगाया कि बोलते आने यूट्यूब चैनल कोई ऐसा सिंगर जो कि रफी साहब को जेन्युइनली गाए, और वो एक नाम उभर कर आया हमारे दिमागों में पूरी टीम को, वो किफायत फहीम साहब का, जो कि श्रीनगर में है, कश्मीर में। क्या बेहतरीन गाते हैं, करीबन 30 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं। कई शोज मैंने देखे हैं इनके, देश विदेश में कई जगह इन्होंने शोज करे हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, मुझे लोग पकड़ते हैं भारत के, आप उनको पता है कि मैं शोज सोशल मीडिया पे कुछ कराता हूं यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो वो किफायत फहीम साहब का नाम जरूर लेते हैं। किफायत फहीम साहब की तो कहें कि रात दिन वो रफी साहब को गुनगुनाते हैं, और एक बड़ी बात ये है कि उन्होंने एक स्टूडियो भी खोल रखा है कई सालों से, और इस स्टूडियो का नाम है MR स्टूडियो, यानी कि मोहम्मद रफी स्टूडियो। बचपन से ये 4-5 साल के थे तब से इन्होंने बैजू बावरा के जैसे गाने उस वक्त बजते थे, तो इनके दिमाग में घर कर गए हैं। और मुझे जैसे उन्होंने पर्सनल अपने गुफ्तगू में बताया कि वहां से इनको चस्का लगा और रफी साहब के बगैर सुने इनको नींद नहीं आती थी, और ये खूब गाते थे, उनको उनकी तरह जो है अपने प्राइवेट गाने भी गाते हैं तो आवाज लगती है जैसे रफी साहब। आज हमारी गुजारिश होगी किफायत फहीम साहब से कि इस मुकदस मौके पर रफी साहब की याद में कुछ ऐसे गाने गाएं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने वाला था, तो कुछ फरमाइशें आई हमारे यार दोस्तों की, या हमारे जो भी नाजरीन हैं बोलते आने के, उन्होंने कुछ फरमाइशें भी लिख दी। किफायत साहब से मैं गुजारिश करता हूं इस वक्त कि अगर कर पाए तभी, अदरवाइज वो अपनी चॉइस का कुछ भी रखें। कुछ गानों के नाम मेरे पास आए हैं, बड़े पुराने पुराने गाने आए हैं कि याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है, अभी दिल में एक लहर सी उठी, कोई ताजा हवा चली है अभी, ऐसी ऐसी यादों। गाना जैसे परवरदिगार आलम या वो दुनिया के रखवाले, लागी छूटे ना जीती लेंगे बाजी, ये भी एक गाना आया है, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाए जाए बंजारा, हजारों रंग बदलेगा जमाना, बहारों फूल बरसा हो, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं ये सुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, छूले ने तो नाजुक होठों को सुहानी रात ढल गई, हाय रे इंसान की मजबूरियां, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, मैं हूं साखी। ये नौशाद साहब की कंपोजिशन याद आ गई मुझे, अगर बेवफा तुझको, तो मतलब और भी गाने हैं लेकिन ये अभी मेरे पास आए हैं गानों की फरमाइश। किफायत फहीम साहब से मेरी गुजारिश होगी कि अगर ट्राई करें इन गानों को भी पकड़ें और कुछ दूसरे भी गाएं, और पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को जो हम स्ट्रीम कर रहे हैं आज के दिन 31 जुलाई को, एक हमारी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं ग्रेट रफी साहब, आइए किफायत साहब प्लीज शुरू कीजिए प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज 31 जुलाई का दिन है, बरसगीर के
सबसे अजीम फनकार गुलकार जनाब मोहम्मद रफी साहब की बरसी। और इस सिलसिले में हमने इस छोटी सी बज्म का एहतमाम किया है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सैमसन डेविड साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो बार बार मुझ नाचीज को बुलाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, तो आज भी उन्होंने मुझे याद किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए इस महफिल का आगाज करते हैं। सात सुरों को जिस पे नाज है, मोहम्मद रफी वो तेरी आवाज है, और फनकार तो माया नाज है, मोहम्मद रफी वो तेरी आवाज है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं। चेहरे में घुल गया है हसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवां रात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली डाली गुलाब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, सौ बार झिलमिलाए शमा शमा फताब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चिराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम ही मेरे जन्नत के जन्नत के ख्वाब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी कितनी।
कुछ अंधेरे में नजर आता नहीं, कोई तारा राह दिखलाता नहीं। जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ, जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ। हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ। जयदेव जी हमारे एक बहुत ही अजीम मौसीकार रहे इंडस्ट्री के, हालांकि बहुत कम फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, लेकिन जो भी दिया कमाल का दिया। और रफी साहब ने उनके लिए क्या गजल गाया है, जैसे ये गजल। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मदन मोहन और रफी साहब, इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो क्या गजब के गाने, जैसे फिल्म गजल रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, या एक हसीन शाम को दुल्हन एक रात की, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं ही रांझा। तो ऐसी जबरदस्त म्यूजिकल कॉम्बिनेशन थी मदन जी और रफी साहब की। सोने चांदी तुलता हो जहां दिलों का प्यार, आंसू भी बेकार वहां पर आहें भी बेकार। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी, आज रुके तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। तुम्हारे आस्ताने
से न हम ना तो जाएंगे, गुजरती है जो इस दिल पर वो रो रो कर सुनाएंगे। यही मर जाएंगे या मुरादे अपने पाएंगे, या दिल की कली अब खिल जाए या खाक में हस्ती मिल जाए। जलवों की कसम जल कर ही रहेंगे परवाने आंखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने, बेताब ये दिल से तंग आकर पहुंचे हैं यहाँ तक दीवाने आंखों में तुम्हारे। राग भैरवी पर आधारित ये कव्वाली एस महिंदर ने फिल्म शेर फरहाद के लिए रफी साहब से गवाई थी। इस फिल्म में कमाल के गाने रहे रफी साहब के। 1956 में ये मूवी आई थी और पूरे देश में तहलका समझ गया था, क्या गजब के गाने एस महिंदर जी ने रफी साहब के लिए कंपोज किए थे। और एक ऐसा गाना इस फिल्म से इतना पॉपुलर इतना हिट हो गया कि उस जमाने में कह दें कि बच्चे बच्चे की जुबान पे वो गाना आ गया, वो था हजारों रंग बदलेगा जमाना न बदलेगा मोहब्बत का फसाना। आइए सुनाता हूँ। हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना। हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना, मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, मोहब्बत मौत से भी क्या मरेगी, जमाने से मोहब्बत क्या डरेगी, कि इसकी ठोकरों में है जमाना, कि इसकी ठोकरों में है जमाना, न बदलेगा मोहब्बत का फसाना, मोहब्बत का फसाना। हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा जमाना। आइए अब खयाम साहब का संगीत सुनते हैं। हर मौसीकार के साथ रफी साहब की एक अलग बात होती थी, यानी रवि की बात की जाए, नौशाद साहब की का जिक्र किया जाए, खयाम, रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, तो जब आप इनकी इनकी तर्जें सुनते हैं तो सीधा पता चलता है कि हाँ ये रोशन साहब की कंपोजिशन है, ये खयाम साहब का संगीत है। और नौशाद साहब का संगीत तो बिल्कुल ही अलग होता था। या अगर आप शंकर और जयकिशन जी की कोई तर्ज सुने तो मेरे जहन में एक गाना अभी आया जो मैं बचपन से काफी पसंद है मुझे। बहुत छोटा था मैं, शायद स्कूल के दिनों में जब इसे गाता था। ये भी राग भैरवी पर है। हमारी इंडस्ट्री के बहुत बहुत बड़े स्टार जो मुझे पर्सनली भी मुझे बहुत प्यार है, उनको बहुत पसंद करता हूँ, धर्मेंद्र जी, उनकी मूवी से ये गाना है जिस फिल्म का नाम था शोला और शबनम। ये
धर्मेंद्र जी की दूसरी मूवी थी, जहां से रफी साहब और धर्मेंद्र जी का रिश्ता चल निकला। आइए ये प्यारा गीत सुनिए। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन। आओ वही हम जाएं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। दीवाना आदमी को बनाते हैं रोटियां, दीवाना आदमी को बनाते हैं रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नचाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाते हैं रोटियां। तुझको पते की बात बताऊं मैं जालिम, क्यों चांद पर पहुंचने की इंसान को है लगन, इंसान को चांद में, इंसान को चांद में। नजर आती है रोटियां, नजर आती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। ये फिलोसफिकल सॉन्ग जो रफी साहब ने गाया है और उसकी तर्ज बनाई है चित्र गुप्त जी ने, उनके बारे में मैं क्या कहूं। चित्र गुप्त का संगीत सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत की गलियां, जैसे आकाश में अपने आप को पाओ। वासना मैं चुप रहूंगी और ऐसी बेशुमार फिल्में जिनमें रफी साहब और चित्रगुप्त जी का कॉम्बिनेशन रहा। ऐसा ही शोहरे आफाक दो गाना जो रफी साहब ने लदा जी के साथ रिकॉर्ड करवाया है, फिल्म काली टोपी और लाल रुमाल। आइए इस दो गाने का लुत्फ। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम। चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम।
तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। क्या हो अंजाम ना जाने, ओ
खुश उल्फत में गावा के बेखुदी के ये तराने यूं ही गाए जा दीवाने इश्क रंग लाएगा अपना आ गए अब वो जमाने तेरी मस्तानी ये बातें तेरी मस्तानी ये बातें दिल पे लाए ना खराब 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 मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी तूने आँखों से पिलाई वो नशा है कि दुहाई हर तरफ दिल के चमन में फूल बिखरे हैं गुलाबी 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 मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी शंकर जयकिशन जी का जो संगीत है वो इतना जिंदा है वो इतना शानदार म्यूजिक है कि आदमी झूमे बगैर नहीं रह सकता। ये गाना फिल्म रिवाज से है जिसे शंकर जयकिशन ने लेट 70s में कंपोज किया संजीव कुमार जी के लिए। बहुत ही जबरदस्त और प्यारी कंपोजिशन आपको सुनाता हूं। तुझ में हूं मैं मुझ में है तू फूलों में बसी है जैसे खुशबू तुझ में हूँ मैं मुझ में है तू फूलों में बसी है जैसे खुशबू तुझ में हूँ मैं मुझ में है तू फूलों में बसी है जैसे खुशबू ऐसी है मोहब्बत के बहारों के बिना ऐ मेरे सनम जिंदगी मेरी ऐसी है मोहब्बत के बहारों के बिना तुझ में हूँ मैं मुझ में है तू फूलों में बसी है जैसे खुशबू जाते जाते एक ऐसा गीत आपकी नजर करना चाहूंगा जो एक ऐसी मौसीकार जोड़ी ने कंपोज किया है रफी साहब के लिए जिनका रफी साहब के साथ सबसे ज्यादा साथ रहा है। जी मैं लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की बात कर रहा हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि रफी साहब का जिक्र हो उनका प्रोग्राम चल रहा हो और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का जिक्र न किया जाए। लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी का कंपोज किया फिल्म दोस्ती का ये गाना आपकी नजर जाने वालों जरा
सब को रचा अपने रूप से, उसकी पहचान हो मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। भाई फहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ऐसे गाने हैं और ज्यादातर जो हमारी फरमाइशें थे वो आपने पूरी कवर करी है, बहुत बहुत हम आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज, ऐसा लग रहा था पूरे रफी साहब सामने आ गए। पूरे नाजरीन जितने भी बैठे हुए हैं तमाम यही फील कर रहे हैं कि आज 31 जुलाई को जो आपने प्रोग्राम दिया है रफी साहब की यादगार में, नजर आना है अकीदत हमने पेश करी है और ऐसे मौके बार बार आते रहे हैं। रफी साहब, ग्रेट मोहम्मद रफी साहब, जिनकी आवाज सबके दिमागों में रूह के अंदर बसी हुई है, उसको हम हमेशा रैलिश करते रहे, गुनगुनाते रहे और उसी के साथ जब तक जिंदगी है उनको सलाम करते रहे कि ऐसी आवाज अब तो नहीं आएगी, बस यादों के सहारे हम जीते रहे। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराब हुए मिले, पर अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया। बोलते आईने, बोलते आईने।